नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन और मैं आपके साथ वंदना। रामपुर से लेकर बॉलीवुड तक अगर कोई चीज का सबसे ज्यादा जिक्र होता है तो वो है रामपुरी चाकू, और यही रामपुरी चाकू का जिक्र किया है योगी आदित्यनाथ ने। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके पहले लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यूपी का दौरा किया जा रहा है, और इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने रामपुरी चाकू का जिक्र करते हुए विपक्ष पर सीधा निशाना साधा है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुरी चाकू पर चर्चा करते हुए इशारों में सपा सांसद मोहम्मद आजम खां पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना में रामपुर ऐसा जिला था जहां कोई उत्पाद नहीं मिला। हमने रामपुरी चाकू को इस योजना में शामिल किया और गुरु शिष्य परंपरा से जोड़कर इसका उपयोग बतलाया है। जबकि सपा सरकार में इस चाकू के दम पर कुछ लोगों ने जमीन कब्जाई और गरीबों को दबाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर बिना नाम लिए हुए ही निशाना साधा है और कहा है कि रामपुरी चाकू जब उनके हाथ में होता है तो गरीब की संपत्ति पर कब्जा किया जाता है, व्यापारियों की लूट होती है, लेकिन अच्छे लोगों के पास जब यही सशस्त्र हो तो वह इससे धर्म, समाज, संस्कृति की रक्षा करते हैं। नए साल के पहले दिन जनपद रामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलावासियों को 95 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। भाजपा की जन विश्वास यात्रा की श्रृंखला में मिलक तहसील अंतर्गत रठौंडा मैदान बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने केंद्र व राज्य सरकार की जनहित की नीतियों को बताया, तो समाजवादी पार्टी की सरकारों पर तगड़ा वार भी किया है। जी हाँ, रामपुर में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया, जिस दौरान रामपुरी चाकू का जिक्र करते हुए विपक्ष पर सीधा निशाना साधा है। और क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, आइए छोड़े जाते हैं इस पूरे वीडियो के साथ। एक जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई, और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला, और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की यह चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया है।